हर त्यौहार में सबसे ज़्यादा खाने जाने वाली मिठाई है तो वो है लड्डू। और हमारे पास ये लड्डू बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मशीन से आपका 1200 से 1500 लड्डू एक घंटे में बन जाता है और ये फुल्ली ऑटोमेटिक रहता है। आपको इसमें सिर्फ यहाँ से गन्ना डालना है और एक ही बार में पूरा रस निकल जाता है। जो पापड़ का खींची हम लोग बोलते हैं, वो खींची बनाने के लिए भी ये सारा मशीन रहता है, खींची मशीन। इस मशीन में आपको आपका जो सारा नमकीन बनाया है वो इसमें डाल देना है। उसको आप अपने तरीके से एकदम लाजवाब स्वादिष्ट बना सकते हैं। यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ से डायरेक्ट फाफड़ा रेडी होके मिलता है। इसमें से आप एक घंटे में 800 से 1000 रोटी बना सकते हैं। इसमें रोटी प्रेस होके फिर यहाँ से डायरेक्ट वो रोटी फूल के निकल जाएगी। हेलो, मैं हूँ स्नेहल पंड्या और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी कंपनी लिनोवा किचन इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में। तो आप सभी को कहीं ना कहीं बिजनेस का आजकल माइंड में होता ही है, क्या बिजनेस करें, कैसे करें। तो फूड रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे पास 150 प्लस मशीनरी रहती है। और बाकी का आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं नॉलेज ऐसा हो ऐसा हो तो आप आज वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आप आज ऐसी मशीनरी जो देखोगे जो शायद आपका बिजनेस है वो एक दिन में ही ग्रो कर सकता है। सो आप आइए वीडियो हम लोग देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे ग्रेवी मशीन। आपको ऐसा लगा कि ग्रेवी मतलब मानिए कि आप कोई भी फूड खाते उसमें कोई भी पेस्ट लगता है, ग्रेवी लगता है, जो कुछ भी होता है ना वो इसी मशीन में बनता है। और ये हमारी 1 HP से लेके 7 HP तक अवेलेबल रहती है सारी मशीन। जो आप ऑयल यूज़ करते हैं खाने में भी, तो उसके लिए अभी आपको कोई भी मिल में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसमें भी आपको अगर प्योर ऑयल चाहिए तो आप ये ऑयल मशीन जो देख रहे हो, हमारे पास मिनी और स्मार्ट मशीन रहता है। उसमें से आप मूंगफली है, बादाम है, कोकोनट है, सोयाबीन है, सभी अलग अलग चीज़ों का आप घर पे भी ऑयल बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं सारा पूरा हमारा पल्वराइजर का रेंज। इसके मेन बेनिफिट ये रहेगा कि आपको गेहूं का आटा, चने की दाल का, सभी का आटा तो करना होता है बराबर, पर साथ में कुछ मसाले भी करने होते हैं, क्योंकि भारत हमारा है, यहाँ पर मसाले के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सारे मसाले भी हो जाते हैं, जैसे कि हमारा तज है, लौंग है सारा। तो इसीलिए ये आपके लिए मल्टीपर्पज़ है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बड़ा कॉमर्शियली मिल सकता है, आपको कोई छोटा चाहिए कैपेसिटी मानो 12 से 15 किलो तक तो वो भी अवेलेबल है, और बड़ी कैपेसिटी 40 से 50 किलो तक भी मिल जाती है इसमें। और अभी जो है हमारे रूटीन में आ गया है कि वो है गन्ने का जूस। तो आप यहाँ पर जो मशीन देख रहे हैं वो सारी तीनों मॉडल अलग अलग गन्ने के जूस बनाने के लिए ही है। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक रहता है, आपको इसमें सिर्फ यहाँ से गन्ना डालना है और एक ही बार में पूरा रस निकल जाता है। और उसके बाद मानिए आपको बिना आइस का और फिर भी ठंडा होके अगर गन्ने का रस पीना है तो इसके लिए ये हमारा शुगर केन चिल्लर आता है। तो उसमें जो यहाँ से आपने रस निकाला है वो रस यहाँ पे जाएगा और बिना आइस की यूज़ किए हुए हम लोग यहाँ से चिल्ड वाला जो है जूस हम लोग निकाल सकते हैं। और ये एट अ टाइम आपको मिल जाएगा, इसके लिए टाइम नहीं लगता है। आप जब भी रस डालते हैं इसमें तो इंस्टेंट आपको ठंडा होके मिल जाता है इसमें से। और अभी आपको कुछ साउथ इंडियन बनाना है तो साउथ इंडियन का जो मेन बेस होता है वो होता है उसका बैटर। तो बैटर बनाने के लिए ये मशीन है वेट ग्राइंडर। ये रेगुलर मॉडल और टिल्टिंग मॉडल दोनों में अवेलेबल हो जाती है। तो आप ये दोनों मॉडल में आपका जो बैटर बनता है साउथ इंडियन फूड का, वो बैटर आप इसमें आसानी से बना सकते हैं। और आपने अभी जो सारी मशीनें देखी, सारा किचन सेटअप देखा, उसके अलावा भी हमारे पास कई सारी ऐसी मशीनें हैं जो उसमें मैंगो जूस मशीन आ गई, फिर पॉपकॉर्न बनाने वाली मशीन आती है, तो कई तरह की ऐसी छोटी मोटी मशीनें रहती है। अभी मान लीजिए ना कि आपका कोई गृह उद्योग चल रहा है तो आपको कोई पापड़ बनाना हो तो पापड़ बनाने के लिए ये सारी मशीनें रहती है। जो पापड़ का खींची हम लोग बोलते हैं वो खींची बनाने के लिए भी ये सारा मशीन रहता है, खींची मशीन। उसके बाद आपको पापड़ बनाना होता है तो पापड़ बनाने के लिए भी हमारे पास ये पापड़ मशीन रहती है, जो कि आप आसानी से अपना बिजनेस इसमें भी ग्रो कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नमकीन जो हमारा बनता है मार्केट में कई तरह का मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी पहली प्रोसेस होती है कि बेसन का जो हम लोग आटा बनाते हैं वो ये सारी मशीन में बनता है। इसमें सभी अलग अलग कैपेसिटी आप देख सकते हैं और पूरा स्टेनलेस स्टील है तो आपको हाइजेनिक भी रहेगा। ये आप देख सकते हैं नमकीन मशीन हमारी। अभी ये तो नॉर्मल हो गया ना नमकीन मशीन तो ही, पर इसकी खास बात ये है कि आप इसमें 10 तरह का नमकीन बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 तरह का, आप इसमें अलग अलग भी बना सकते हैं, क्योंकि ये टोटली कस्टमाइज जैसा ही पॉसिबल हो सकता है। मानो कि पापड़ी गाठिया है, हमारा नॉर्मल नाश्ते वाला गाठिया है, सेव है, तो सभी तरह का इसमें आप बना सकते हैं। उसमें
सिर्फ जाली यहाँ पे लगा देनी है, यहाँ से बेसन का आटा डालते रहना है और ये पूरा मूवेबल रहेगा। तो नीचे आप कढ़ाई रख के डायरेक्ट अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी नमकीन का या कोई भी आपको ऐसा नमकीन में बनाना हो अलग अलग चीज़ें। तो अभी आपने जो है वो नमकीन तो आपका जो बनाना था वो बना लिया, अभी आपके नमकीन में कहीं ना कहीं ऑयल रह गया है, जो कि अभी मार्केट में ऐसा होगा कि ऑयल वाला जो है नमकीन ज़्यादातर नहीं सेल होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो ड्रायर मशीन है हमारा, और इसमें आप जो हमारा आपका कोई नमकीन बनाया है जैसे कि सेव गाठिया वो सब कुछ, तो बाकी का एक्स्ट्रा ऑयल जो रह गया है वो आप इस मशीन में डाल के उसको, ये है जो बाउल, इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ से आपका पूरा जो है नमकीन उसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। अभी जो आपका सारा नमकीन बनके रेडी हो गया है तो अभी उसमें आपको फ्लेवर अलग अलग करना होता है। तो ये आप देख रहे हैं नमकीन मसाला मिक्सर, इस मशीन में आपको आपका जो सारा नमकीन बनाया है वो इसमें डाल देना है। और ये मशीन है वो यहाँ पे आपको जो मसाला कोई भी फ्लेवर का है वो आपको यहाँ से ऊपर डालते रहना है। तो ये अपने आप 2 से 3 मिनट में सारा मसाला जो है नमकीन में मिक्स कर देता है। और इसमें आपको ऐसा नहीं है कि इतना, अगर कम ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए तो हमारे पास 1.5 फीट से लेके 5 फीट तक का पूरा नमकीन मिक्सर रहता है। तो इसमें आप कोई भी चीज़ का अपना फ्लेवर जो है वो मिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो मशीन आप देख रहे हैं इस मशीन से आप आपका कोई भी नमकीन बनाया है उसको आप अपने तरीके से एकदम लाजवाब स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो अभी मैं जो मशीन दिखाने वाली हूँ ना, उसके बिना तो हमारा खाना ही अधूरा रह जाता है। तो ये जो सारा मशीन है ना वो हमारा जो रोटी का हम लोग आटा गूंथते हैं, तो ये रोटी का जो आटा हम लोग बनाते हैं ना उसके लिए काम आने वाली ऑटोमेटिक मशीन रहती है। तो आजकल तो क्या है कि हाथ से बनाते हैं तो उतना आपको रिजल्ट मिलता है और कितना टाइम जाता है, इससे अच्छा है कि आप ये मशीन में कर लीजिए तो 4 से 5 मिनट में ये आराम से रोटी का आटा बन जाता है, रेडी हो जाएगा। तो आपका काम भी स्पीड में होगा और इसमें पूरा है ऑटोमेटिक प्रोसेस रहता है, आपको कुछ हाथ से करने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा का पूरा मटेरियल जो है आप इसमें डालते हैं तो पूरा आटा आपका थोड़े ही मिनट में रेडी हो जाएगा। अभी है वो आपका आटा जो है वो रेडी हो गया है पूरा। तो अभी जो हम लोग रोटी के लिए गोल बनाते हैं, जो लोया बनाते हैं, तो वो इस मशीन में बनता है। इसमें आपको कुछ इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आटा यहाँ पे डाल देना है, यहाँ से अपने आप वो लोया कट होके आपको मिल जाता है। उसके बाद आती है जो रोटी हमारी बनती है बनके पकाने की। तो ये आप देख रहे हैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें से आप 1 घंटे में 800 से 1000 रोटी बना सकते हैं। इसमें रोटी प्रेस होके फिर यहाँ से डायरेक्ट वो रोटी फूल के निकल जाएगी। हमारे पास रोटी बनाने के लिए अलग अलग 3 तरह का मशीन रहता है। आप ये पहला वो देख रहे हैं, ये कन्वेयर बेल्ट आता है, और दूसरा जो ये है वो हमारा सर्कुलर टाइप रोटी मशीन रहता है, और तीसरा तो आपको ये प्रेसिंग मशीन रहता है, उसमें प्रेसिंग मशीन के आगे चपाती भट्टी लग जाती है। तो उस तरह से आप वो मैन्युअली भी कर सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक भी हो जाता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं सारा हमारा जो है ढोकला मशीन, जो खमण हम लोग बोलते हैं गुजराती में, तो इसका भी अलग अलग रेंज आपको मिल जाएगा, ये कस्टमाइज भी बन सकता है, 6 ट्रे से लेके 12 ट्रे तक ये अवेलेबल है। ये जो सारा है वो पोटैटो पिलर मशीन है, जो कि हमारे यहाँ पे पोटैटो है वो बेसिक मटेरियल हो गया है अभी तो, जिस भी खाने में देखिए पोटैटो रहता ही है। तो आलू का छिलका निकालने का मेन काम है ये मशीन का, और उसके बाद आप मानो उसका पोटैटो का वेफर का बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास पोटैटो वेफर मशीन भी है। आप ये देख सकते हैं इसमें पोटैटो का वेफर बन जाता है। को बनाना वेफर मशीन का भी प्लांट लगाना हो तो ये भी हमारे पास दोनों अलग अलग मॉडल में अवेलेबल रहता है। अभी जो है आपका कोई भी बनाना का वेफर या पोटैटो का वेफर है वो रेडी हो गया है। तो अभी आपको इसमें जो कोई भी मसाला मिक्स करना है, तो ये आप देख रहे हैं कोटिंग पैन मशीन रहता है हमारा, उसमें आप सारा जो है आपका नमकीन जो वेफर बनाया है आपने वो यहाँ पे डाल के आप इसमें जो है वो पूरा मसाला जो आपको इसमें डालना है वो डालते रहना है। तो इसका आपको मल्टीपर्पज़ हो जाएगा, कोई भी कोटिंग आप इसमें कर पाएंगे। और इसका ऐसा नहीं कि यही साइज़ है, ये अलग अलग साइज़ में भी आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे चाइनीज़ भी सभी तरह का मानिए तो इवनिंग का हमारा डिनर भी चाइनीज़ ही रहता है कभी कभार। तो आप ये देख सकते हैं मंचूरियन बॉल कटिंग मशीन है, इसमें जो हमारा मंचूरियन मिलता है मार्केट में उसका बॉल जो कटिंग होता है वो इस मशीन में बनता है। पर ये मोटर वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है, मान लीजिए इससे भी इजी काम आपको करना है तो हमारे पास ये इससे तो कम प्राइस में रहता है, ये हैंड ऑपरेटेड मशीन रहेगा पूरा, और यहाँ पे आप मटेरियल सारा डाल दिया है
तो यहाँ से आप ऐसे कट भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी देर में दो तीन बार भी आप ऐसे कट करते तो पूरी कढ़ाई भी यहाँ पे भर जाती है आपकी। तो ये आपको यूज़ में भी इजी रहता है और आपका जो बजट है उसमें भी ये अवेलेबल हो जाता है। अभी आप जो मशीन देख रहे हैं ना, उससे आपको क्या लगता है कि कुछ हमारा यहाँ पे मिठाई के बिना तो सब कुछ अधूरा ही है ना? मिठाई के बिना कोई भी डिश हमारी अधूरी है। तो मिठाई में जो मावा लगता है और जो हम लोग बासुंदी खाते हैं वो अलग अलग जो है वो ये मिल्क मावा मशीन में बनता है और ये पूरी एसएस में आती है। इसीलिए पूरी हाइजेनिक का तो आपका पहले से ही ख्याल रखा है हम लोगों ने। और बाजू में जो आप देख रहे हैं ना, वो हमारी काजू की जो मिठाई रहती है सारी, तो ये काजू मुश्ती मशीन रहता है। इसमें काजू की कोई भी मिठाई आप बनाते हो तो ये मशीन आपको ज़रूरी लगता ही है। और ये मशीन के ज़रिए आप कोई भी मिठाई आसानी से बना सकोगे। मिठाई तो बन गई, पर बिना ड्राई फ्रूट की मिठाई कौन खाएगा? तो ड्राई फ्रूट का हम लोग जो कटिंग करते हैं उसमें तो बहुत मेहनत लगती है, और ड्राई फ्रूट तो कई तरह का छोटा छोटा भी होता है। तो हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है। ये आप देख रहे हैं ड्राई फ्रूट का टुकड़ा मशीन है, इसमें आप टुकड़ा कर सकते हैं कोई भी ड्राई फ्रूट का। और उसके बाजू में आप देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट का कई मिठाइयों पर चिप्स ऐसा सर्विंग किया होता है और पाउडर बनाना हो तो ये ड्राई फ्रूट चिप्स और पाउडर के लिए आ जाएगा। और ये आप बाजू में देख रहे हो तो छोटा छोटा कतरन टाइप जो हम लोग बोलते हैं ना, उस टाइप का कटिंग इसमें हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं वो ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाने वाली मशीन है। इसमें आप काजू का पाउडर वो 150 से 200 किलो तक कर सकते हैं। अगर आपका काम जो है वो मिठाई बनाने का बहुत ही बड़ा है तो आप इसमें आसानी से 200 किलो तक का काजू का पाउडर आप ले सकते हैं इस मशीन से। हर त्यौहार में सबसे ज़्यादा खाने जाने वाली मिठाई है तो वो है लड्डू, और हमारे पास ये लड्डू बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मशीन से आपका 1200 से 1500 लड्डू एक घंटे में बन जाता है। लड्डू का पूरा स्टफिंग यहाँ से डाल दिया तो यहाँ से लड्डू कट होता है और परफेक्ट जो आपने साइज़ रखा है वही साइज़ में सभी लड्डू एक जैसा ही कट होता है और एक जैसा ही आपको शेप मिलेगा। जो कि हम लोग हाथ से लड्डू बनाते तो कभी छोटा बड़ा लड्डू बन जाता है, पर ये मशीन से आपको एक साइज़ का और एक शेप का लड्डू मिल जाएगा। अभी तक तो है ना सिर्फ गुजरात का ही फेवरेट था, अभी पूरे इंडिया में फेवरेट होता जा रहा है वो है हमारा फाफड़ा गाठिया। तो उसको बनाने के लिए अभी बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है, तो इसके लिए भी हमारे पास ये ऑटोमेटिक मशीन रहती है। इसमें आप कोई भी तरह का जो है वो फाफड़ा का आटा है यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ से डायरेक्ट फाफड़ा रेडी होके मिलता है। उसके बाद आपको सिर्फ फ्राई करने का काम ही रहेगा। उसके बाद हम लोगों का जो रूटीन यूज़ होता है रेस्टोरेंट में, कैटरिंग सर्विस में, कई जगह पे, तो ये उसके लिए जो है बारीक चॉपिंग करने के लिए ओनियन कटिंग रहता है। उसके बाद हम लोग जो ये स्लाइस देखते हैं कई जगह पे सलाद में भी मिलती है हम लोगों को, तो ये ओनियन स्लाइसर मशीन है स्लाइस करने के लिए। अभी जो मैं दिखा रही हूँ वो ज़्यादातर चलने वाली मशीन है, जो कि रेस्टोरेंट में, कैटरिंग में, सभी जगह पे लहसुन छीलने का काम होता है तो वो ये मशीन से हो जाता है। वेरी फास्ट मशीन है। और इसके अलावा भी रेगुलर यूज़ में आने वाली जो सारी मशीन है मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। तो वो होता है हमारा वेजिटेबल का कटिंग का काम करना, तो ये सारा वेजिटेबल कटिंग रहता है। उसमें भी अलग अलग रेगुलर, ये डीलक्स मॉडल, ये जंबो मॉडल, तो सभी में आप अलग अलग तरह का, चाहे सब्जी हो या सलाद हो, सभी में ये मशीन आपको काम आ सकती है। अभी बारी आती है हमारे लिए हेल्दी एंड फ्रेश जूस बनाने की। तो ये आप जो जूस मशीन सारे देख रहे हैं वो हमारा अलग अलग कोई भी ग्रीन वेजिटेबल हो या कोई भी ऐसा फ्रूट हो, आंवला भी आजकल तो आंवला बहुत ही खाने जाने वाला होता है, तो उसका जूस भी आप ये मशीन में बना सकते हैं। और ये मशीन जो है वो हमारा जो मौसम भी होता है, नींबू होता है, उसका भी जूस आप इसमें बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी को हैंड ऑपरेटेड मशीन चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल रहती है। फूड बिजनेस में आप तो देख रहे हैं कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है फास्ट फूड का और बेकरी का सभी आइटम बनाना, तो उसके लिए भी हमारे पास मशीनें रहती है। जैसे कि कोई पिज़्ज़ा का आटा बनाना हो या तो केक का जो क्रीम हो वो आपको बनाना हो, तो इसके लिए स्पाइरल मिक्सर रहता है हमारा, प्लेनेटरी मिक्सर रहता है। और हाँ, आपका जो बिज़नेस होता है उसका फास्ट फूड में तो पिज़्ज़ा सभी लगता है, और केक में, बेकरी में जो बनाना होता है, कुछ भी बेकरी आइटम या फास्ट फूड की आइटम बनानी हो तो हमारे पास ये पिज़्ज़ा ओवन से लेके डेक ओवन तक पूरा सेटअप रहता है। और ऐसा है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी यहाँ से आपको मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं हमारा डेक ओवन है, इसमें आपका बेकरी का कोई भी आइटम बना जा सकता है, जैसे कि केक हो गया, पिज़्ज़ा का जो हमारा रेडीमेड बेस मिलता है तो पिज़्ज़ा बेस भी आप इसमें बना सकते हैं। कोई रेस्टोरेंट या किचन सेटअप भी करना है तो हमारे पास उसका भी पूरा सॉल्यूशन रहता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सलाद बार है, और पूरा कोई भी वर्क टेबल बनाना हो, पिकअप टेबल बनाना हो, तो इस तरह से स्टूल अटैच बनाना हो, या
जो कोई भी कस्टमाइज चीज़ आपको बनानी हो अपने हिसाब से, आपका कोई भी साइज रहता है तो उस हिसाब से हम लोग कस्टमाइज भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फ्रिज से लेके ये बेन मेरी तक को सब कुछ रहता है, जो कि हमारे यहाँ पे खाना गर्म रखने के लिए काम आती है। और बाकी आप सभी अलग अलग जो है वो यहाँ पे देख सकते कि इसमें से जो हम लोग अक्सर देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा या कोई भी स्टार्टर हो, कहीं पे भी खाना रखना हो तो इसमें गर्म खाना रहता है पूरा। हमारा किचन में जो हमारी मेन चीज़ होती है वो खाना पकाना होती है, तो खाना पकाने के लिए हमारे पास ये पूरा गैस रेंज भी रहता है, आगे वो चपाती भट्टी भी रहता है, डोसा भट्टी भी रहता है। और उसके बाद जो है वो आपका खाना आप चटपटा बनाने के लिए जो मसाला रखते हैं तो वो सारा मसाला रखने के लिए भी हमारे पास मसाला ट्रॉली रहता है। ये पूरा आपका जो है वो सारा एसेसरीज है वो किचन में आपको रिक्वायर रहता ही है, इसके बिना आपका किचन सेटअप मानो ना कि अधूरा है। अभी मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ वो है कड़ूकास भुक्का मशीन, और उसके जो बाजू में आप देख रहे हो वो वेट दाल मशीन है। इसमें से आप कोई भी जो है भीगी हुई दाल या ऐसा कुछ भी हो वो आप इसमें से पीस सकते हैं। उसके बाद आती है लड्डू क्रशर मशीन, जो हमारा लड्डू बनता है उसका जो हम लोग क्रश करते हैं एकदम, तो इसमें बारीक क्रश हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि चटनी मशीन, जो चटनी हमारी रेगुलर यूज़ में खाने में रहती है, ग्रीन चटनी हो या कोई भी, तो इसमें हो जाती है। इसमें पोटैटो भी मैश होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटैटो टोर्नाडो मशीन, जो कि आजकल बहुत ही फेमस हो गया। और अभी जो आप देख रहे हैं वो है हैवी ड्यूटी मिक्सर। वो आपने देखा होगा कि कई तरह की जो किचन इक्विपमेंट में मेजोरिटी यूज़ होता है कोई भी पेस्ट या ग्रेवी बनाने के लिए, तो उसमें भी अलग अलग मॉडल और अलग अलग लीटर के हिसाब से आपको मिल जाता है, और ये आपका रेगुलर यूज़ का मशीन रहता है। हमारे मैडम ने आपको दिखाया मेरा पूरा शोरूम, हम जो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सारी प्रोडक्ट आपने देखी। हम काफ़ी सारे तरह की प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपके बिजनेस में यूज़फुल हो सकती है, आपके बिजनेस को बढ़ावा दे सकती है, आपका काम ईजी कर सकती है। लेकिन अभी ये सारी प्रोडक्ट बनती कैसे है, उसमें हम किस तरह से वो पूरा प्रोडक्ट बनाते हैं वो सारे हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए हमारा ये सबसे पहला यूनिट है कि ये मशीन का सारी बॉडी जो बनती है, बाहर की जो एसएस की जो बॉडी आती है वो जो बनती है, ये पहले यूनिट है। इसमें एसएस का जो सीट आती है उसका कटिंग होता है, बेंडिंग होता है, फिर उसका वेल्डिंग होता है, और फिर उसको फिनिशिंग करते हैं। तो कटिंग के लिए भी हमारे पास पूरा ऑटोमेटिक मशीन है जिसको लेज़र कटिंग मशीन बोलते हैं। तो ये सारे जो मशीन का जो बॉडी का जो सीट का कटिंग होता है वो ऑटोमेटिक मशीन में कटिंग होता है, जिसकी वजह से फिनिशिंग अच्छा मिलता है और क्वालिटी मेंटेन होता है। जो कटिंग होने के बाद उसका जो बेंडिंग होता है उसके लिए भी सारी ऑटोमेटिक मशीनरी है, तो काफ़ी अच्छी तरह से और फिनिशिंग के हिसाब से सही तरह उसका बेंडिंग हो सके। जिसे हमारे शरीर में हार्ट होता है उसी तरह ये सारी मशीनरी में मेन चीज़ होती है उसकी मोटर है, जो मशीन में यूज़ होती है वो मोटर। इवन ये मोटर भी हमारे वर्कशॉप में हम ही बनाते हैं, जिसका हम आउटसोर्स नहीं करते हैं। ये हमारे पूरा मोटर मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है। सभी तरह का पार्ट्स और मशीन टोटली हमारा इन हाउस बनता है। कोई भी पार्ट्स हम बाहर से रेडीमेड नहीं लेते, असेंबलिंग नहीं करते। मशीन का छोटा से छोटा पार्ट्स भी हम इन हाउस बनाते हैं ताकि हम क्वालिटी मेंटेन कर सके और कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का मशीन रिजनेबल प्राइस में दे सके। और इससे भी एक और बात है कि ये जो अभी हम एक नया फैक्ट्री बना रहे हैं और वहाँ पे भी हम नया नया मशीन बनाने वाले हैं, इससे भी बड़े मशीन और काफ़ी सारे यूज़फुल मशीनरी। ये वावड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर रिबड़ा के पास हमारा नया फैक्ट्री बन रहा है पूरा 4.5 एकड़ में, जो आने वाले 6-7 महीने में रेडी होने वाला है। और ये सारी मशीनरी यदि आप परचेज करना चाहते हो तो हमारे सेल्स टीम है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है 9925312341 एंड 42। और हमारे कंपनी का वेबसाइट है www.linovakitchenequipments.com। ये वेबसाइट पे भी आप हमारे मशीनरी की और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो, फोटोग्राफ्स वीडियो सब अवेलेबल है, और हम आपको घर बैठे ये मशीन वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं।